जैसे हम सबको पता है कि पंचायत का सीजन 2 20 मई को रिलीज होने वाला है अमेजोन प्राइम वीडियो पर, तो पंचायत का सीजन 2 समझने के लिए हमें सीजन 1 का थोड़ा बहुत ज्ञान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीजन 1 और सीजन 2 दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो आज हम करेंगे पंचायत के सीजन 1 का एंडिंग एक्सप्लेन। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पदास, स्वागत है आपका पंचायत सीजन 1 के एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो में। अभिषेक त्रिपाठी नाम के एक नए सेक्रेटरी आते हैं फुलेरा गांव पंचायत में। वैसे तो गांव पंचायत के प्रधान है मंजू देवी, लेकिन वो पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं है, इसीलिए उनके पति पंचायत के जितने भी काम काज है वो सारे करते हैं। पहले तो अभिषेक को रहने के लिए पंचायत घर में ही एक रूम दिया जाता है, लेकिन वो रूम के ताला का चाबी खो देते हैं, फिर ताला तोड़कर उनको रहने के लिए जगह दिया जाता है। गांव में बिजली जाना तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, इसीलिए जब भी बिजली चला जाता है तो सब कुछ अंधेरा हो जाता है। इसके वजह से ही अभिषेक ने कुछ इमरजेंसी लाइट्स का भी तैयारी करके रखा है। दो दिन बाद पता चलता है कि गांव में कुछ लाइट्स आए हैं सरकार की तरफ से सेटअप करने के लिए, वो 16 लाइट्स है। पहले तो 12 लाइट लोगों ने अपने घर के सामने सेटअप कर लिया है, अब 13वीं लाइट कहाँ सेटअप करेंगे, इसके लिए ही पंचायत सभा बुलाया गया है। सभा में लोगों ने ये बताया कि 13वीं लाइट एक भूतिया पेड़ के सामने लगाया जाएगा, वो पेड़ बहुत ज़्यादा पुराना है, लोग उसे भूतिया मानते हैं। लेकिन अभिषेक चाहता है कि 13वीं लाइट पंचायत ऑफिस के सामने ही लगाया जाए, क्योंकि जब भी लाइट चला जाता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अभिषेक को ही होता है। पंचायत सभा में पहले ही ये डिसाइड हो चुका है कि 13वीं लाइट भूतिया पेड़ के सामने लगाया जाएगा, लेकिन अगर ये लाइट अभिषेक को पंचायत ऑफिस के सामने सेटअप करना है तो उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो पेड़ सिर्फ एक नॉर्मल पेड़ है, उसमें कोई भूत भूत नहीं है। इसीलिए अभिषेक उन लोगों को ढूंढता है जिन्होंने इस पेड़ के नीचे भूत को देखने का दावा किया है। आखिर में अभिषेक डिस्कवर करता है कि जिसने भी उस पेड़ के नीचे भूत देखा है वो भांग के नशे में हाई था, इसीलिए ये प्रूफ हो गया कि उस पेड़ के नीचे कोई भूत भूत नहीं रहता। अब 13वीं लाइट लगाई जाती है पंचायत ऑफिस के सामने। अब पंचायत के कुर्सी में बैठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, इसीलिए अभिषेक ने बाजार से एक चक्का वाला कुर्सी खरीदा है। इस कुर्सी को देख के प्रधान सोचता है कि चक्के वाले कुर्सी में सिर्फ बड़े पोस्ट वाले लोग ही बैठ सकते हैं, लेकिन अभिषेक तो एक सेक्रेटरी है और प्रधान के पास भी चक्के वाला कुर्सी नहीं, इसीलिए वो सोचता है कि अगर वो चक्के वाला कुर्सी में बैठेगा तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। गांव में परमेश्वर नाम के एक आदमी की बेटी का शादी है, तो दूल्हे को ठहरने के लिए पंचायत ऑफिस का एक कमरा दिया गया है जो कि अभिषेक त्रिपाठी का है। तो दूल्हे को ये बताया गया है कि चाय पानी जो भी चाहिए वो अभिषेक से मांग सकता है। जब दूल्हे का दोस्त अभिषेक को जाके बोलता है कि उन्हें नाश्ता चाहिए, तो अभिषेक उसे 2 मिनट रुकने के लिए बोलता है। तभी हम फेमस डायलॉग सुनते हैं जो कि है, गजब बेइज्जती है। दूल्हा गुस्सा होकर उसके बाप को बुलाता है और उसे कहता है कि वो तभी यहाँ से जाएगा जब अभिषेक का चक्के वाला कुर्सी उसे दिया जाएगा। सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन एक दिन गवर्नमेंट से ऑर्डर आता है कि लोगों के बीच पॉपुलेशन कंट्रोल का मैसेज फैलाया जाए। तो स्लोगन में अभिषेक जगह जगह पर यह लिखवा देता है कि 2 बच्चे हैं मीठे खीर उससे ज़्यादा बवासीर। ये स्लोगन पढ़कर गांव के लोग बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं, वो बुरा मानने लगते हैं, लेकिन अभिषेक उसे समझाता है कि सिगरेट पैकेट में वार्निंग इसीलिए दिया जाता है ताकि लोगों को फर्क पड़े, इसीलिए उसने भी ये स्लोगन लिखा है ताकि लोगों को फर्क पड़े और वो पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कोशिश करे। फ्राइडे है, अभिषेक सारे काम निपटा के घर पे खाना बना रहा है, लेकिन तभी इंस्टाग्राम में वो एक पोस्ट देखता है जहाँ पर वो देखता है कि उसके फ्रेंड्स वीकेंड में पार्टी कर रहे हैं। तभी ये देख के वो जल्दी से दुकान जाकर 2 बियर की बोतल लेके आता है और उसे पीकर सो जाता है। सुबह देखता है कि वो नशे में दरवाज़ा बंद करना भूल गया था और घर से कंप्यूटर का मॉनिटर चोरी हो चुका है। जब ये बात पुलिस को बताया जाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके प्रधान को ये बताता है कि दारू तो सिर्फ बहाना है, शायद अभिषेक ने ही मॉनिटर को चोरी करवाया है किसी दूसरे के हाथ से। तो पुलिस अभिषेक से पूछती है कि अगर उसने कल रात को ही दारू पिया तो कल रात को ही मॉनिटर कैसे चोरी हो गया, उससे पहले उसने दारू नहीं पिया और चोरी भी नहीं हुआ, तो दोनों एक साथ आपस में कनेक्टेड कैसे है। तो अभिषेक बताता है कि 7 बजते ही गांव के सारे लोग सो जाते हैं, उसका कोई फ्रेंड नहीं है, उसका कोई दोस्त नहीं है, या फिर उसके साथ कोई घुलना मिलना भी नहीं चाहता, वो बिल्कुल अकेला पड़ गया है, इसीलिए वो बियर ला के अकेले पी के सो जाता है। तभी प्रधान को ये महसूस होता है कि अभिषेक कितना अकेला पड़ गया है, तो ये देखकर वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है रात को। अगली सुबह जब अभिषेक ऑफिस का दरवाज़ा खोलता है, वो देखता है कि मॉनिटर सामने ही पड़ा हुआ है, उसके नीचे एक चिट्ठी लिखी हुई है। चिट्ठी में लिखा है कि किसी एक मूर्ख बंदे ने उस मॉनिटर को टीवी समझकर चोरी कर लिया था।
बहुत दिनों से अभिषेक MBA के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है। आज उसका फॉर्म फिलअप है, इसके लिए वो फोटो खिंचवाने के लिए मार्केट जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ लड़कों से उसका झगड़ा हो जाता है। उस झगड़े को अवॉइड करके अभिषेक घर तो आ जाता है, लेकिन रात को उसके फोन पर एक कॉल आता है और वो लड़के उसे कॉल पर धमकी देते हैं। दूसरे दिन अभिषेक प्रधान को ये सब कुछ बताता है और वो दोनों मिलकर साथ में दो लड़कों को लेकर उन गांव के लड़कों के पास जाता है जिसने रात को उसे धमकी दिया था। अब सारा झगड़ा खत्म करते हैं और वो फोटो खिंचवा कर एग्जाम का फॉर्म भरते हैं। अब एग्जाम सामने है, अभिषेक पढ़ाई कर रहा है, लेकिन अदर साइड प्रधान जी सोचते हैं कि लड़का अब तो पढ़ाई कर रहा है और वो पंचायत के सेक्रेटरी का नौकरी भी कर रहा है। अब उसका सैलरी सिर्फ 20,000 है, लेकिन अगर वो पास हो गया तो उसका सैलरी 1,00,000 हो जाएगा। इसलिए वो सपने देख रहे हैं अपने बेटी रिंकी का शादी उसके साथ कराने का। अब एग्जाम खत्म हो चुका है, लेकिन जैसे वो आया है घर पे, मुंह लटका कर वो जाकर डायरेक्टली अपने रूम में जाता है और दरवाजा बंद करके सो जाता है। इससे हमें ये पता चलता है शायद उसका एग्जाम खराब गया है। एग्जाम में जितना परसेंटेज उसे चाहिए था उतना तो आया नहीं, इसलिए उदास होकर क्या फायदा। रिपब्लिक डे सामने है, इसको लेकर नोक झोंक चल रहा है कि इस बार झंडा कौन फहराएगा, मंजू देवी या फिर उनके पति। लेकिन मंजू देवी ने इस बार फैसला किया है कि उनके पति को इस बार झंडा फहराने का मौका नहीं दिया जाएगा, वो खुद इस बार झंडा फहराएंगी। वो पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए उनको नेशनल एंथम नहीं आता, लेकिन अभिषेक उनको नेशनल एंथम बाहर करने में मदद करती है। आखिर में मंजू देवी झंडा फहराती है और जनगण मन भी गाती है DM मैडम के सामने, और यहीं पर पंचायत का season 1 कंप्लीट हो जाता है। मैंने पहले भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ कि season 2 जल्दी आने वाला है। 20 मई को Amazon प्राइम वीडियो पर season 2 रिलीज किया जाएगा। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक करें एंड डू सब्सक्राइब। टिल देन कीप वॉचिंग मूवीज।